हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। एक क्लास रे आम रीट एवं जुरिडिकेशन रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। आम प्रथम यह हूँ इंडियन जुडिशियरी पार्ट नंबर 4 अटे। आम प्रथम पार्ट्रे कौन करे, प्रथम पार्ट्रे आम हाइकोर्ट और सुप्रीमकोर्टर थ्योरी क्लास को करे। सेकेंड पार्ट्रे आम हाइकोर्टर समस्त क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करले। थर्ड पार्ट रे आम सुप्रीम कोर्टर 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करले। एवं एही पार्ट रे 4 नंबर पार्ट रे एही पार्ट रे आम रीट एवं जुरिडिकेशन रो किछु क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपण जदि अन्य तीनोटी पार्ट को देखि नांती ताले ताहाको मध्ये देखंतु आम चैनल रो इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे समस्त क्लास को देखि पारिबे बा हाइकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट बाय स्टडी विथ रिंकु साहु सर्च करी समस्त क्लास को आपण देखि पारिबे। आपण जदि एबे पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताले सब्सक्राइब करंतु एवं प्रतिदिन क्लास करबा पई टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन होंतु, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि। एवं आम चैनल रो इंडियन पॉलिटी रो समस्त क्लास को देखि नांती ताले आपण ताहाको मध्ये देखि पारिबे, डिस्क्रिप्शन रे लिंक मध्ये दिया जाइछि। तेणु आरंभ करबा क्लास को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केते प्रकार रीट अछि, 5 प्रकार रीट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर सेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात बी आर अंबेडकर कौ आर्टिकल को कहते हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात हृदय एवं आत्मा कहते किए कहते बी आर अंबेडकर कहते कौ आर्टिकल, आर्टिकल 32 को कहीं कही कहीं आमर फंडामेंटल राइट रही वायलेशन करती है आम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जापर आर्टिकल 32 अनुसार से बी आर अंबेडकर कही हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इश्यू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, अर्थात फंडामेंटल राइट रो वायलेशन समय कोर्ट कौन जारी करिथाय, कोन करिथाय, रीट जारी करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रीट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, ता रीट को कौ कॉन्स्टिट्यूशन रो बा कौ कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि, कौ कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि रीट को, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो निया जाइछि रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन रिवाइजरी एडुकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिवाइजरी एडुकेशन माने कौन अटे, सुप्रीम कोर्ट तार निजर डिसीजन को से रिवाइज कर पारे अर्थात चेंज कर पारे, ता कह जाए रिवाइजरी एडुकेशन। यह विषय कोठारे लिखा है रिवाइजरी एडुकेशन कह जाए को आर्टिकल लिखा है, यह विषय आर्टिकल 137 लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द पावर टू इश्यू रिट बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय व्हिच आर्टिकल, कौ आर्टिकल अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर पारि थाए, कौ आर्टिकल, आर्टिकल 32 अनुसार, 32 अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ऑल द मैटर्स और डिस्प्यूट कंसर्न्ड विथ इंडियन फेडरालिज्म इज रिजॉल्व्ड और डिसाइडेड बाय द टेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, अर्थात आम फेडरालिज्म रे कौन से प्रकार डिस्प्यूट होता है अर्थात स्टेट स्टेट मध्ये बा स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी मध्ये कौन से प्रकार डिस्प्यूट बा गंडगोल होते ताको के समाधान करिथे, ताको केवल सुप्रीम कोर्ट पाखरे अधिकार छि से समाधान करि पारिबो, सुप्रीम कोर्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द पावर टू इश्यू रिट बाय व्हिच कोर्ट बाय व्हिच आर्टिकल, अर्थात कि रिट जारी करि पारिबो, सॉरी हाईकोर्ट बाय व्हिच आर्टिकल, हाईकोर्ट को को आर्टिकल अनुसार रेट जारी कर पारि थे, आर्टिकल 226 अनुसार रेट जारी कर पारि थे फंडामेंटल राइट सहित अन्यन राइट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द रीट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट आर इश्यूड बाय के कर पारि थे, रेट जारी कर पारि थे फंडामेंटल राइट रो वायलेशन समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोथ कर पारि थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच रीट गिव्स द मीनिंग वी कमांड इन लेटर, अर्थात वी कमांड माने कौन अटे, कौ रेट्र माने हूँ कमांड, माने हूँ मांडामस, मांडामस रेट माने कौन अटे वी कमांड, अर्थात यह रेट के जारी कराए थे जिते बिल कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी निजर कार्य को ठीक भाव करा था समय यही मांडामस रेट जारी कर पारि थे वी कमांड, अर्थात आदेश दे थे ताको बाधिबा मानिबा पई बाध्य अटे सुप्रीम कोर्ट जदि ता दे से रेट बा हाईकोर्ट।
व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन एपेलेट जुरिडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एपेलेट जुरिडिकेशन विषय में कौ आर्टिकल लिखा जाए? एपेलेट जुरिडिकेशन माने कौन अटे? आर्टिकल 32 रु 34 132 रु 134 रे लिखा जाए एपेलेट जुरिडिकेशन माने। एपेलेट जुरिडिकेशन माने कौन अटे? आम जदि लोअर कोर्टर डिसीजन रे आम संतुष्ट नहीं बा खुशी नहीं बा हारी जाइए से समय आम जमी अपर कोर्ट को जाइ जमीक आम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारा पर हाईकोर्ट को जाइ हाईकोर्ट में हारा सुप्रीम कोर्ट को जाइ यह कह जाए एपिलेट जुरिडिकेशन अर्थात अपर कोर्ट को जाए आम एपिल कर अर्थात लोअर कोर्ट में कौन भूल डिसीजन दि जाए भूल जजमेंट दि जाए बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गारंटेड बाय इट्स दोज कहा द्वारा ग्यारंटी कराई थे फंडामेंटल राइट को? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज द्वारा बा आर्टिकल 32 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज सुड टू हेबियस कॉर्पस रिट केते बेल जारी करा जाए? केते बेल करा जाए ए पर्सन बिफोर ए कोर्ट कौन से व्यक्ति को कोर्ट को न नेबा पूर्वर करा जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट? जुडिशियल रिव्यू विषय में कौटार लिखा जाए? आर्टिकल 13 लिखा जाए। आर्टिकल 13 लिखा जाए कि जुडिशियल रिव्यू विषय में सुप्रीम कोर्टर जुडिशियल रिव्यू माने कौन अटे? जिते बेले आम देश में कौन सी आईन तैयारी लयारी करी आम फंडामेंटल राइट को वायलेशन करें तो सुप्रीम कोर्ट पाखे अधिकार अच्छे कि से ताको रिमूव कर दे पार जदि फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर नल बैड घोषणा कर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड टू फोर्स ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी अर्थात कौन सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तार ड्यूटी ठीक भाव में करूना तेल ताको ठीक भाव में ड्यूटी कराइबापी को रिट जारी कर पारि थाए हाईकोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट को रिट मांडामस मांडामस मान कौन अटे? गिफ्ट कमांड जदि आदेश दिए ताक मानवाप बाध्य अटे। द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट सेंटर एवं यूटी इज रिजल्व बाय डैश जुरिडिकेशन अर्थात कौन सी स्टेट स्टेट मध्य सेंटर मध्य यूनियन टेरिटरी मान कौन सी प्रकार डिस्प्यूट हुए गंडगोल हुए को रेट को जुडिकेशन अनुसार समाधान कर जुडिकेशन अनुसार ओरिजिनल जुडिकेशन अनुसार कर पावर क्या पाखे अच्छे केवल सुप्रीम कोर्ट पाखे अच्छे को आर्टिकल अनुसार 131 आर्टिकल अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज कॉल्ड बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम कौ रिट को कहुए बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम कोटा को हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लीगल फ्रेज मांडामस अर्थात मांडामस माने कौन अटे? मांडामस माने अटे विक कमांड मांडामस माने कौन अटे? विक कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच आर्टिकल एडवाइजरी जुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन को आर्टिकल एडवाइजरी जुडिकेशन विषय में लिखा जाए सुप्रीम कोर्टर एडवाइजरी जुडिकेशन? एडवाइजरी जुडिकेशन माने कौन अटे? जदि दरकार पड़े प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट एडवाइस नहीं था कह एडवाइजरी जुडिकेशन ता विषय में कौटे लिखा जाए 143 आर्टिकल 143 आर्टिकल लिखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ठारो जदि प्रेसिडेंट दरकार पड़े एडवाइस नहीं पारे कौन कह एडवाइजरी जुडिकेशन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज मोर पावरफुल इन केस ऑफ यूजिंग रिट रिट जारी करबारे को कोर्ट मैक्सिमम पावरफुल केवटे? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट मैक्सिमम पावरफुल अटे अर्थात हाईकोर्ट हाईकोर्ट फंडामेंटल राइट सहित अन्न राइट रे से तार जुडिकेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी? बाय व्हाट अथॉरिटी माने कौन अटे? क्यू रंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी माने कौन अटे? क्यू रंटो। क्यू रंटो रेट केते बेले जारी करा जाए? जेते बेले कौन से व्यक्ति बिना अधिकार रे
ବିନା ଅଧିକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, କ୍ୟୁ ରେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ବିନା ଅଧିକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ଯେମିତିକି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ କୌଣସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ନେଲା ପରେ ଜଜ୍ ପାଖରେ ସେ ପେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ବରୋଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜୁଡ଼ିକେସନ୍, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ବା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଅଲ୍ ଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଜଲ୍ଭ ବାଇ ହୁଇଜ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ର ତା'ର ଭାଇଲେସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରିଟ୍ ଜାରି, କେଉଁ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ରେ, ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ରେ, ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 139 ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରିଟ୍ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଟ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦ କେସ୍ ଇନ୍ ଅପର୍ କୋର୍ଟ ଟୁ ବିଫୋର୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଲୋଅର୍ କୋର୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦ କେସ୍ ଇନ୍ ଅପର୍ କୋର୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଲୋଅର୍ କୋର୍ଟ, ଲୋଅର୍ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଉ। କୋଉ ରିଟ୍ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ସେଠାରେ ଭୁଲ ଭୁଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବ ବା ରଙ୍ଗ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଥାଉ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଟ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦ କେସ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲୋଅର୍ କୋର୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାହାର ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କରିଥାଉ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ, କେଉଁ ରିଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ରିଟ୍ କୁହାଯାଇଛି ସାର୍ଟିଓରାରି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସାର୍ଟିଓରାରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି, କେଉଁ ରିଟ୍ ବୋଥ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରେ ଲାଗିଥାଏ, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍, ଓରିଜିନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 131 ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓରିଜିନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ସିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ଫିଲ୍ ନେସେସରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଠାରୁ କିଏ କିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜୁଡ଼ିକେସନ୍। ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 143 ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ, 143 ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଟ୍ସ ଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁଡ଼୍ ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଅପନ୍ ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଆରେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା କରାଯାଇଥାଏ, କେଉଁ ରିଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଟ୍ସ ଲିଟେରାରି ମିନ୍ସ ଟୁ ବି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍, କେଉଁ ରିଟ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍, କେଉଁ ସାର୍ଟିଓରାରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଟୁ ବି ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଟ୍ସ ଲିଟେରାରି ମିନ୍ସ ୟୁ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ବଡ଼ି, କେଉଁ ରିଟ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ୟୁ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ବଡ଼ି, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ୟୁ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ବଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ ୱିଥ୍ ଦ ଡିସିଜନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲୋଅର୍ କୋର୍ଟ, ହି ମେ ଆପିଲ୍ ଇନ୍ ଏ ହାୟର୍ କୋର୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଅର୍ କୋର୍ଟର ଡିସିଜନ୍କୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନହେଁ ହୋଇ ସେ ଅପର୍ କୋର୍ଟରେ ସେ ଆପିଲ୍ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆପିଲେଟ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ, ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିକେସନ୍ ବିଷୟରେ, 139
आर्टिकल लिखा है रीड जरूर एजुकेशन विषय रीड नुहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट रो वायलेशन समय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देवा विषय कौ जगह लिखा जाइए आर्टिकल 32 रे लिखा जाइए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पाखे केते प्रकार जुडिकेशन अच्छी पांच प्रकार जुडिकेशन एवं पांच प्रकार रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज कॉमन फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट। हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट रे कौ पावर सेम अटे कौटा इश्यू रेट रेट जारी कर पावर सेम अटे अर्थात हाईकोर्ट पाखे अधिकार थाए अन्न्य रेट्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट इट कैन रिव्यू एंड चेंज इट्स ओन डिसीजन एट टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस चेंजेस अर्थात समय चेंज होगा सहित से निजर डिसीजन को चेंज कर पारि थाए किए कर पारि थाए केवल सुप्रीम कोर्ट कर पारि थाए हाईकोर्ट कर पारि न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाए कोर्ट को कहा जाए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से निज डिसीजन को रिकॉर्ड मध्य कर पारे एवं समय चेंज होगा सहित से ताको चेंज कर पारे अन्य मध्य डिसीजन दे पारे से विषय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन रिट ऑफ हाई कोर्ट को आर्टिकल लिखा है हाई कोर्ट रो रिट विषय 226 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यार आंसर होउछि आपनों को पई आपनों कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु कोन एबो यार सटीक आंसर को आर्टिकल रे लिखा जाइछि कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या विषय 137 ना 40 ना 32 ना 129 यार आंसर आपनों कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं आपनों को पई मधे अन्य क्वेश्चन अछि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट एवं रिट्स केते प्रकार एवं जुडिकेशन केते प्रकार ता कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। इन व्हिच आर्टिकल मेंशन ओरिजिनल जुडिकेशन ओरिजिनल जुडिकेशन विषय को आर्टिकल रे लिखा जाइछि ता आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। इन व्हिच आर्टिकल मेंशन रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट रिट विषय को आर्टिकल रे लिखा जाइछि तहार आंसर मध्ये आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एवं आपन जदि एबे पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करना ताले लाइक मध्य करंतु। तेणु थैंक यू अन्य समस्त क्लास देखापे आप प्लेलीस्ट को जे देखे पारे एवं हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट रो थ्योरी क्लास करा जाइछि हाईकोर्ट रो समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करा जाइछि 50 सुप्रीम कोर्ट रो 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करा जाइछि ताहा आपन देखि नहांती ताहले ताहा मध्य आपन देखंतु आम चैनल रो प्लेलीस्ट को जे आपन देखि पारे। तेणु थैंक यू।